डियर बच्चा लोग, आज हम लोग यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हेलो एल्केन्स हेलो डी चैप्टर का, ठीक है। एनसीईआरटी का ये लास्ट सवाल है जिसमें कुछ कन्वर्जन्स रिएक्शन दिए गए हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोग को एनसीईआरटी किताब लेके बैठना चाहिए, सवाल देखो और खुद से भी बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। सारे कन्वर्जन बुक के अंदर से ही है, कोई बुक के बाहर से नहीं है, बहुत ही आसान भी है। जैसे कि यहाँ 10.22 का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है जब। पहला सवाल यहां पर है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आहा, समझ में आ गया ना, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब भी दिख जाए तो जनरली समझ लेना वहां पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जिसको आप लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हो, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन और हेलोजन निकलता है कहाँ का जी, तो अल्फा का हेलोजन और बीटा का हाइड्रोजन निकलता है। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है CH3CH2CH2CH2Br है, यही हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका ट्रीटमेंट करना है कहाँ से, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, एल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है ना। तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, कुछ नहीं, अल्फा पर से आपको हेलोजन एलिमिनेट करना है, अब बीटा पर का जो है एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, ये बीटा का जो एक हाइड्रोजन है इसको यहां से एलिमिनेट कर देना है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड दे करके जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां से हेलोजन बॉन्ड लेके जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, प्लस माइनस के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3CH2CH, डुअल बॉन्ड CH2, प्लस यहां से निकल जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड यहां से, प्लस H2O यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना हमारा, ये बन गया ब्यूट वन ईन बना, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन हो गया। नंबर टू की बात कर लेंगे, नंबर टू में हमारे पास में है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम। तो हेलो अल्केन चाहे हेलोएरीन हो, ये मैग्नीशियम मेटल से जब रिएक्शन करता है तो ड्राई इथर के प्रेजेंस में करता है, और दूसरी बात जब ये रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम से तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो यहां पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है इस तरह से, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब मैग्नीशियम से होगा तो ये हमेशा ड्राई इथर के प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन में यहाँ का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और ये मैग्नीशियम बीच में चल जाएगा यहाँ पर, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बना फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि हमारा एक ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट कहलाता है, ठीक है ना। नंबर थ्री की बात कर लेंगे हम, नंबर थ्री में कहता है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। क्लोरोबेंजीन का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाए यानी कि वाटर से रिएक्शन किया जाए, तो जान लीजिए यहां पर हमारा आंसर ये होगा कि क्लोरोबेंजीन का डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस कराना संभव नहीं है। हम लोग यहां कहेंगे कि नो हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल, हाइड्रोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल फॉर क्लोरोबेंजीन। कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन क्या कभी भी पॉसिबल है, क्या कभी भी पॉसिबल है, तो बोलेंगे हाँ पॉसिबल है। अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस कराएं, हम क्लोरोबेंजीन का हम हाइड्रोलाइसिस कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके, वो भी हाई टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर 300 एटीएम प्रेशर पर, तब जाकर के क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा फिनॉल में कन्वर्ट होगा, यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, नहीं यहाँ पर हम लोग का न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ये निकलेगा तो ONA यहाँ पर बनेगा, जिसके बाद जाकर के फाइनल हाइड्रोलाइसिस के बाद जो है ये फिनॉल बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमारा डायरेक्ट लिखेंगे फिनॉल, ये देगा OH देगा,
प्लस यहां से NaCl बाहर निकलेगा। पहले तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, उसके बाद जाकर के फिनॉल बनता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन भी आपकी किताब में ही डायरेक्ट दिया हुआ है, मैकेनिज्म भी इसका दिया हुआ ही है। तो जान लीजिए यहां पर कि ये हमारा डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस यहां पर हुआ, पॉसिबल हुआ, ठीक है। नंबर थ्री की, फोर की बात कर लें बाबू, तो फोर में क्या है हमारा, फोर में है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। जब हेलो एल्केन का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से हुआ तो एल्कीन बना, एक्वस KOH से होगा तो डायरेक्ट एल्कोहल बनेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे इथाइल हमारा इथाइल क्लोराइड था, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाले हैं कैसा वाला, तो एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हटेगा, KCl निकलेगा और इथेनॉल यहाँ पर बन जाएगा। ये यहां पर हमारा क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, सिंपल सा इथेनॉल बन गया, ठीक है। तो यहां तक तो रिएक्शन हो गया। अब हमारा दो रिएक्शन और बचा हुआ है, आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए हैं, चलिए इरेज कर रहे हैं इसको यहां से। रिएक्शन कन्वर्जन आप लोग जब चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए जरूरत आपको पड़ेगा ही नहीं। कन्वर्जन रिएक्शन कोई रटने का चीज नहीं है, ये एक्चुअली में कला है, आर्ट है, जिसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना ज्यादा आप कोई भी आर्ट में काम करते हो, लाइक पेंटिंग, कोई 10 पेंटिंग बनाया होगा, कोई 100 पेंटिंग बनाया होगा, वहां पर दिमाग कितना तेज है वो बाद वाली बात है, ज्यादा कौन मेहनत किया है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, ज्यादा कौन कर रहा है, कौन प्रैक्टिस किया है ज्यादा क्वेश्चन पर, वो देखा जाता है। नंबर फाइव की बात कर लेंगे तो नंबर फाइव में है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। याद आ गया होगा ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है, जिसमें कि कोई भी हमारा एक एल्काइल हैलाइड जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, ये जब सोडियम से रिएक्शन करता है, तो सोडियम से रिएक्शन जब भी होगा ड्राई एथर में किसी हेलो एल्केन का, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, दो बार आपको यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिख देना है समझने के लिए, ठीक है ना। बस यहाँ पर ये जो है मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ से हमारा सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और दोनों ही रेडिकल आपस में जुड़ करके यहाँ पर CH3 CH3 यानी C2H6 यानी इथेन फॉर्म कर लेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन, ये भी ड्राई एथर के प्रेजेंस में ही होता है, सोडियम का रिएक्शन हो या मैग्नीशियम का हो, ड्राई एथर के प्रेजेंस में होता है। नंबर सिक्स की बात कर ली, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर सिक्स की बात कर लेंगे, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन KCN से। तो यहां पर ये K प्लस CN माइनस है, ये CN माइनस यहां न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कौन से कार्बन पर, इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये Cl माइनस पोलराइज हो रहा है Cl की तरफ, यानी Cl माइनस चार्ज बन रहा है, इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन है, और SN में आप देख पा रहे हो मिथाइल में पीछे का स्पेस फ्री है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इसलिए ये यहां से एलिमिनेट होता भी जाएगा और ये जुड़ता भी जाएगा। दैट मींस ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। तो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा ये SN2 रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। इसके द्वारा यहां पर ये रिमूव होगा और यहां पर ये CN आ जाएगा, ठीक है, ये इथेन नाइट्राइल हो गया, ठीक है ना, प्लस यहां से KCl बाहर निकल जाएगा। तो यही हमारा कुल कन्वर्जन है इस वाले एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज का ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें ये कन्वर्जन मेरे ख्याल से बहुत ही इजी कन्वर्जन था, जो कि आपके डायरेक्टली बुक से आया हुआ था। उम्मीद करते हैं कि ये आसानी से आपको समझ में आ गया, सरल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अगर मैकेनिज्म समझाने में, अगर समझने में अभी दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो कमेंट में जरूर करें कि सर मैकेनिज्म में अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना कहेंगे कि मैकेनिज्म आप लोग बेहतर रखिए, उस पर प्रैक्टिस बनाए रखिए, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया तरीके से कन्वर्जन होगा। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और कन्वर्जन आपसे नहीं हो पा रहा है, समझिए कि पढ़ना व्यर्थ है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक का कन्वर्जन हम फिर से बोल रहे हैं, वो एक आर्ट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा होते चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई तेज या कमजोर स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है, प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, कितना आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन पर, ठीक है। फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, आपने इस चैप्टर को भली भांति कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर,
इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। डेफिनेटली आप उसको विजिट करिएगा, आपको बेहतरीन ढंग का सब कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।